जिले की पूर्व विधानसभा में बीते 18 नवंबर को हुए भाजपा और कांग्रेस के विवाद में शिवराज सिंह भी अपने प्रत्याशी अंचल सोनकर के समर्थन में आ गए हैं। आज जबलपुर में उत्तर मध्य विधानसभा में खुले मंच से अंचल सोनकर का समर्थन करते हुए सीएम शिवराज सिंह ने कहा कि गुंडों से डरने की जरूरत नहीं है, अंचल सबको देख लेंगे। इधर गरीबी को लेकर सीएम ने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधते हुए कहा कि पहले इंदिरा गांधी जी ने भी कहा था कि गरीबी को हटाओ, पर न तो वो हटा सकी न ही राजीव गांधी। अब राहुल बाबा आए हैं जिन्हें आलू तक के विषय में पता नहीं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने उत्तर मध्य विधानसभा में हो रही जनसभा में मंच से ही फिल्मी गानों के माध्यम से कांग्रेस पर वार किया। सीएम शिवराज सिंह ने कहा कि आज कांग्रेस सांप्रदायिक पार्टी बन गई है, वोट की खातिर मुस्लिमों भाइयों को साधने में लगी है, बहुत दुख होता है ऐसी राजनीति देखकर। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस वोट की खातिर मंदिर मस्जिद जाने का ढोंग भी रचती है। जबलपुर में आज सीएम की चार सभा होने वाली है, जिस पर समय अभाव के चलते पनगार और कैंट की सभा को निरस्त कर दिया गया। भारतीय न्यूज के लिए जबलपुर से विकास पांडे की रिपोर्ट। गरीबी हटाएंगे, इंदिरा जी के जमाने से कहते चले आ रहे, इंदिरा जी तो गरीबी हटा नहीं पाई, ये राजीव जी ने हटाता है, अब राहुल बाबा आए जो देश को जानते नहीं, देश की माटी को पहचानते नहीं। आकर तो किसानों की बात करते हैं, कहिए तो बता दो हमारी बात ऐसी होती की ऐसी होती है। बोले एक महीने का नहीं है, जब से तुम बने हो तो दिया ही नहीं तुम्हें, कहिए तो 3000 का बोलता हूँ कहाँ से दे दे भैया। तो हमने तय कर दिया 77 लाख गरीबों के 6000 करोड़ के बिजली के बिल भरवा के बिजली का बिल 0 कर दिया, और आगे भी सरद जी किसी के रह गए चिंता मत करना, भरवा देंगे अपनी सरकार। दिग्विजय सिंह सर फुकलेट दिए कि पैसे नहीं है खजा में, गरीबों को कोई तकलीफ नहीं आने देगी। और मेरे भाग्य भाग्य हो तुमसे तो मेरा स्नेह का प्रेम कराता है, मैं चाहता हूँ मेरे भी कभी भी मामा मामा कहते हैं आके गाँव में चला जाए शहर में चला जाए, एक बार मदद कपट पड़ जाए मामा रुक जा मामा आ जा मामा शहर से निकाले, छोटे छोटे बच्चे तो माँ की गोद में उठे तो बच्चे कहते मामा आ जा, और बड़े बच्चे दूर से चिल्लाते हैं मामा आई लव यू।